नाज़रीन आदाब, हेलो डीडी का ताज़ा शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं आपका मेज़बान रऊफ रसूल और आज के इस प्रोग्राम में मेरे साथ शामिल हो रहे हैं हमारे एक मैं ये कह सकता हूँ हमारी वादी में यूँ तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, यानी 10 डिस्ट्रिक्ट जो हमारी वादी में, उनमें एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है वो बारामूला है। तो डीसी बारामूला डॉक्टर नसीर अहमद नकाश साहब मेरे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। डॉक्टर साहब आपका खैर मुकदम है आज के इस प्रोग्राम में। और नाज़रीन मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो बारामूला, जैसा कि मैंने कहा कि वादी के कुछ बड़े डिस्ट्रिक्ट्स में एक डिस्ट्रिक्ट है, यानी यहाँ पे जब हम अगर हम इसकी ज्यूरिसडिक्शन किया इसके इसके हजम की बात करें तो यहाँ पे नारबल से स्टार्ट होकर ऑल द वे उड़ी तक जाता है और एक साइड से फिर रफ़ियाबाद से लेकर के यहाँ पे हमारा टंगमर्ग या गुलमर्ग या इसके बियॉन्ड भी फैला हुआ, यानी ये जो डिस्ट्रिक्ट है हजम के लिहाज से काफ़ी बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। एंड ऑब्वियसली फिर बड़े डिस्ट्रिक्ट के बड़े मसाइल भी होते हैं और आप सब जानते हैं कि ये एक लाइव फोन इन शो है, तो बस कूद पड़िए। यानी अगर आपके पास डेवलपमेंट के हवाले से कोई आपका खदशा है, कोई आपकी आरा है, कोई सजेशंस आपके पास हैं, तो डीसी साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप अपनी शिकायत का अजाला भी इनसे करा सकते हैं और अपनी जो आपके जो अपनी जो ओपिनियंस है वो भी आप इनके साथ और हमारे बाकी नाज़रीन के साथ भी शेयर कर सकते हैं। डॉक्टर साहब अब मैं पहले ही कह चुका हूँ कि ये एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, तो मेरी समझ में नहीं आता कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। तो चलें हम ऐसा कर लेते हैं कि आजकल आपके बारामूला टाउन में एक बड़ी ज़ियारत है हज़रत जांबाज़ वली रहमतुल्लाह अलैह की, तो उर्स के आयाम वहाँ पे चल रहे हैं जी जी। तो मुझे लगता है कि चले वहाँ से हम शुरू करते हैं कि अच्छी खासी बिस्मिल्लाह होगी, उर्स के हवाले से जो इंतज़ाम वगैरह हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत बता। जहाँ तक उर्स के सिलसिले के लिए इंतज़ाम का ताल्लुक है, तो हमने इस सिलसिले में जो भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का रोल होता है इसमें, चाहे वो एसेंशियल सर्विसेज का हो, चाहे बिजली का हो, चाहे पानी का हो, या सफाई का हो, या हेल्थ का जो हमें उस वक्त तैयार रखना होता है किसी भी सिचुएशन के लिए, तो सारे इंतज़ाम इस मौके के लिए किए हुए हैं। तो इंशाल्लाह अर्ज़ ये जो कल हो रहा है, कल इसका ये दिन है, तो इंशाल्लाह उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं और हर काम इंशाल्लाह पूरी तरह से हो जाएगा जी। अब बिस्मिल्लाह तो होगी, अब शिकायत भी थोड़ी बहुत कर लेते हैं। एक सबसे बड़ी शिकायत जो बारामूला टाउन की मैं बात करता हूँ, बारामूला टाउन के लिहाज से हवाले से वहाँ के लोगों की भी है और बाकी लोग जो बाकी डिस्ट्रिक्ट से अगर किसी काम के हवाले से उनको वहाँ डिस्ट्रिक्ट जाना पड़ा, तो वो है ट्रैफिक कंजेशन के हवाले से, लैक ऑफ पार्किंग के हवाले से। जहाँ तक ट्रैफिक कंजेशन का ताल्लुक है, आप देख रहे हैं कि हर तरफ से आजकल तो हर जगह गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं, जितनी सड़कें हैं उससे बढ़कर गाड़ियाँ गाड़ियों में इजाफा हो रहा है। हमारे बारामूला टाउन में भी ये मसला है, आई एडमिटेड। तो उसके लिए चूंकि आप देख रहे हैं कि जो मेन मार्केट वगैरह है उसमें स्पेस की अवेलेबिलिटी हमें बहुत कम है या स्पेस अवेलेबल ही नहीं है। अब इसमें रेगुलेशन का जहां तक ताल्लुक है, तो हमने उसके लिए ये जो टर्मोइल आया, उससे पहले भी हमने एक प्लान इसमें चाक आउट किया था, जहां पर हम कहीं कहीं से वन वे ट्रैफिक कर देते हैं और जहां जहां कंजेशन नहीं है वहां टू वे हो जाता था। नाउ चूंकि अब ये ट्रैफिक फिर से बढ़ गया है, हालात फिर से सुधर गए हैं, तो हमने आई हैव टॉक्ड विद द कंसर्न्ड जो हमारे ऑफिसर्स हैं, इनमें ट्रैफिक के भी हैं, पुलिस के भी हैं, या हमारे रेवेन्यू वगैरह के हैं, तो उनसे बात करके हम फिर से हम वो वन वे ट्रैफिक कर रहे हैं कहीं कहीं जहां से ज़्यादा ये कंजेशन हो जाता है, जैम हो जाता है, तो दैट विल बी रेगुलेटेड। वो इंशाल्लाह कुछ दिनों में उस हिसाब से फिर वो हालात फिर से। इनफैक्ट जब हम ट्रैफिक कंजेशन की बात करते हैं, ये खाली आपके बारामूला टाउन की ही बात नहीं है, आपके आपकी ज्यूरिसडिक्शन में बारामूला का ही एक हिस्सा है सोपोर टाउन, पटन टाउन, वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा जो है ट्रैफिक कंजेशन। ये इसके बारे में हमें बिल्कुल जानकारी है कि पाटन का भी है हमारे पास मसला, जहाँ पर हमें वो सोमो स्टैंड भी उधर ही सड़क पर नेशनल हाईवे पर ही है, या दूसरे जो दुकानदार हजरात हैं वो भी अपनी वो चीज़ें बाहर लाकर लोगों को फिर वो आम ये जो हाईवे से ही चलना पड़ता है। मैंने इस बारे में भी जो कंसर्न ऑफिसर हमारे SDM साहब हैं, या म्यूनसिपलिटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, या पुलिस के हैं, उनसे ऑलरेडी उनके साथ बात हुई है, क्योंकि
देखिए अब ये बीच में कुछ हालात की वजह से अब हमारा ट्रैफिक बहुत कम रह गया था, लेकिन चूंकि अब हालात की वजह से ठीक हो गए हालात तो फिर से ट्रैफिक का ये मसला हो गया। तो मुझे लगता है कि विद इन अ फ्यू डेज हम वहाँ पाटन में चाहे हो चाहे सोपोर में हो उन जगहों पर फिर से ये ट्रैफिक निज़ाम अच्छा हो जाएगा, बहाल हो जाएगा। और जैसे कि रॉन्ग पार्किंग हो जाती है, जैसे वो जो रेडी वाले वगैरह वो सड़क पर आ जाते हैं, तो विल बी हम उनको रेगुलेट कर रहे हैं। और इस सिलसिले में मैंने ऑलरेडी अपने एसडीएम साहिबान को हिदायत की हैं कि वो अपने अपनी ज्यूरिसडिक्शन में अपने कंसर्न्ड ऑफिसर्स की मीटिंगें बुला के और सुबह सवेरे अपने स्क्वाड्स भी बाहर ले जाके ट्रैफिक रेगुलेशन की तरफ खास ध्यान दें। जी, एंड पर्टिकुलरली ये एक बहुत बड़ा मसला उभर के आता है जब पटन टाउन में, चूंकि एक बिल्कुल ये एक ऐसा टाउन है जो कि नेशनल हाईवे के ऊपर है, तो वहाँ पर नेशनल हाईवे ब्लॉक हो जाता है। इसी तरह से सोपोर टाउन की हम बात करते हैं तो हमारे कुपवारा की कनेक्टिविटी सोपोर से होकर के जाती है, इफ़ पीपल एक्चुअली डोंट यूज़ द बाईपास। तो अगर सोपोर टाउन से जाना हुआ तो वो एक बड़ा एक सरदर्द वाला मामला बन जाता है। ये मसला है, लेकिन मुझे यकीन है कि जो मैंने ऑलरेडी डायरेक्शन पास की है कंसर्नड एसडीएम को, जैसे सोपोर में हमारा सब डिवीजन है, एसडीएम साहब है सोपोर में है या पटन में है, वो इस बात का उन्होंने नोटिस ले लिया है। इन अ फ्यू डेज मुझे यकीन है कि इस जो मसला है इस पर काफ़ी हद में हम काबू पा लेंगे। अब बात ट्रैफिक की हो रही है तो एक और जो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हम कह सकते हैं ट्रैफिक कंजेशन को, वो बैड रोड्स है, सड़कों की हालत जो है खस्ता है। खैर नेशनल हाईवे की तो बात नहीं करेंगे, लेकिन जो इंटीरियर रोड्स हैं जो टाउन्स को कनेक्ट करते हैं आपस में या जो विलेजेस को जाते हैं, तो उनकी हालत बड़ी खस्ता है। तो इस पे थोड़ी देर बाद आपसे एक जवाब चाहूँगा, लेकिन एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ हैं तो मैं उनको काफ़ी देर से वेट कराए हुए हूँ। जी हेलो, वालेकुम सलाम सर, हमें निकली नाले का मसला है, भाई गांव से है हम जी। हमें मसला था कि जब भी बारिश होती है यहाँ किसी वक्त भी बारिश होगी तो बाढ़ आती है, हमें खेती बाड़ी होती है वो भी जाया होता है जी। हमेशा हमें यही मसला होता है, पिछली बार जो बाढ़ आई थी पहले भाई गांव में आई थी जी। अब भी इस टाइम जब भी होगा बारिश होगी सब खेती बाड़ी की होती है तो नुकसान होता है हमेशा। इस बाढ़ जो बाढ़ है हमारे नीली का जी, कभी भी जब भी हम गए तो उन्होंने कहा कि हमने ये प्रोजेक्ट बनाया है करोड़ों का मसला है, मगर कभी भी आज तक कभी भी काम नहीं लगा है इस नीली में जी। सर इसीलिए हमने फोन किया है, अभी डी साहब अभी वहाँ पे है तो इससे हम ये बात करना चाहते थे कि हमें इस मसले का कुछ हल होना चाहिए जल्दी जी। जी साहब, आपने इनकी शिकायत सुनी, हाईगाम से हैं, बाढ़ का मसला अक्सर इनको आता रहता है। एंड इनका ये है कि जो कि प्रोटेक्शन मेजर्स हैं, डेवलपमेंट मेजर्स होने चाहिए थे इनको इस चीज़ से निजात दिलाने के लिए, बाढ़ से निजात दिलाने के लिए, वो शायद जी जहाँ तक ये सैलाबों का मसला है तो हम इसलिए पीछे 2014 में हमारी इसकी बहुत बड़ी बैड एक्सपीरियंस है, तो उसके बाद जैसे आपको पता है कि हमारा जो फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट है तो उसको भी हमने काफ़ी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या उसको अपने जो चीफ इंजीनियर्स लेवल पर स्टेट लेवल पर भी है काफ़ी गियर अप किया हुआ है। आपको पता है कि जैसे हमारा ये रिवर जहलम है, यहाँ पर हमारे दो जगह पर दोबगांव में सोपोर में भी या उधर हमारे बारामूला में खानपोरा वगैरह में जो आगे का एरिया है इस वक्त भी वहाँ ड्रेजिंग चल रही है रिवर जहलम की। ये डीज आर द मेजर, ये वही मेजर्स हैं जिसके तहत हम इन जो सैलाब है जो चूँकि बारिश की वजह से जब ज़्यादा बारिश हो तो सैलाब आ जाते हैं रिवर जहलम में या दूसरे छोटे छोटे नालों में, तो ये मेजर्स हैं जो लॉन्ग टर्म मेजर्स हैं। इस वक्त वहाँ पर ड्राइजिंग चल रहा है जिसमें हमें एक एस्टिमेटेड जो अमाउंट है जो क्वांटिटी है जैसे 9.5 लाख के करीब वो ड्राइजड मटेरियल रिवर जहल में इन फ्रॉम दिस सोपोर टू यहाँ बारामूला में खानपोरा या खादनियार तक जो हमने निकालना है। इसमें हमारी जो आउटसोर्स भी हो गई है कंपनी जो आगे कर रही है, सोपोर में भी हमारे फ्लड कंट्रोल के दो ड्राइजर
काम कर रहे हैं। तो अभी तक हमने ऐसे जैसे अगर हम देखेंगे कि दो करीबन इस साल 2 लाख क्यूबिक मीटर्स हमने ड्राई आउट कर लिए हैं। दीज आर मेजर जिनके ज़रिए ये जो फ्लड का जो खतरा रहता है ये काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। इसके अलावा भी जो छोटे छोटे नाले वगैरह हैं जहाँ जो जो ओवरफ्लो कर जाते हैं उसके लिए फिर फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट को हिदायत की है कि वो एक तो उनको अपना ये स्टेट लेवल जो उनका बजट होता है उसमें भी उनको फंड्स अवेलेबल कर दिए जाते हैं या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी कर दिए जाते हैं या हमारा जो प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसमें काफ़ी हद तक बहुत सारे फंड्स जो हमें अवेलेबल होने वाले हैं और जहाँ जहाँ पर भी लॉन्ग टर्म मेजर्स लेने की ज़रूरत होगी वो उसमें लग जाएंगे। इंशाल्लाह आगे ये टाइम की बात है कि हम देखेंगे आगे इस जो हमारा जो जहन में जो फ्लड्स का खतरा है ये बहुत हद तक ये ख़त्म हो जाएगा। वेरी सेफ। एक और कॉलर नाजरीन बारामूला से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। सज्जाद हूँ बारामूला से। जी सज्जाद साहब। जी सर, डिस्टर्ब से ये पूछना था कि ये हमारा जो बर्निंग इशू है बारामूला में वो है मैन पुल। 2014 में सैलाब की वजह से टूट गया जी, तो तब से हमारा ये बर्निंग इशू रहा है बारामूला में। हम तरस रहे हैं कि एक दफा हम इस पुल पर फिर कब चलें इस पुल से। तो डिस्टर्ब से दीवाना गुजारिश है पूरे बारामूला की तरफ से वो इसमें जाती तौर इंटरवीन करें। क्वेश्चन तो ये है सर। दूसरा ये है इसी बारामूला के मेन चौक में दाएं बाएं जो स्ट्रीट लाइटें हैं काफी देर से नॉन फंक्शनल है जी, तो शाम को बेहद हो जाती है जी। और सर तीसरा ये है कि सफाई का जो फुकदान है बारामूला में काफी है, खासकर ओल्ड बारामूला में जी। सर ओल्ड बारामूला में से एक और परेशानी हमें, जब शाम को हमें कोई रात देर कोई पेशेंट हो जाता है तो जो ये ट्रांसपोर्ट है सर हम पूरा नहीं पहुंच पाते हैं हॉस्पिटल बारामूला। क्या ऐसा नहीं हो कि एक एम्बुलेंस रहे पुराने हॉस्पिटल में ही तो वो लिफ्ट करेगा पेशेंट को, चाहे वो बारामूला से है या उड़ी से है या किसी और रफियाबाद से है। ये काफी परेशानी है सर। मैं इस वक्त अपने घर से बात कर रहा हूँ, मेरे एक दो पेशेंट है यहाँ पर, वो कंप्लीटली ये ऑक्सीजन पर है। आज शाम को मुझे प्रॉब्लम हो जाती है, पहले मुझे गाड़ी देखनी होती है कि कहाँ से मैं अरेंज करूँ। क्या ऐसा नहीं है कि उसी बारामूला में इनके वसात से एक एम्बुलेंस रहे जो इन पेशेंट को जी सज्जाद साहब, डीसी साहब ने आपके तमाम जो क्वेश्चंस है वो सुन लिए हैं, अब आप जवाब सुन लीजिए। देख लीजिए ये जो बारामूला ब्रिज का जो टूट गया है ये उसका कह रहे हैं, उसको हम फिश मार्केट ब्रिज कहते हैं, तो उसके उस पर हमारा एक प्रपोजल है कि फुट ब्रिज उसमें बनाएंगे हम। तो उसके लिए अब ये जो DPR वगैरह है दैट इज़ ऑलरेडी, वो हमने चीफ इंजीनियर को थ्रू हमारे जो SC हैं थ्रू उनके ज़रिए चीफ इंजीनियर के पास पहुंच गया है जी। तो वो वहाँ से वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट पहुंच जाएगा फॉर द अप्रूवल। तो इंशाल्लाह तो विद इन कुछ महीने के बाद जो ही वो हमें इसकी अप्रूवल मिल जाएगी हम इस पर काम कर देंगे। ये हमारी फोकस में है कि इसको बनना है, तो इन फ्यूचर ये इंशाल्लाह बन जाएगा आफ्टर हम जब इसका अप्रूवल वगैरह आ जाएगा। जो प्रिलिमिनरी वर्क इसका था वो हमने ऑलरेडी कर दिया है। इनके क्वेश्चन के और भी दो हिस्से थे लेकिन उसको उससे पहले एक छोटा सा हम एक ब्रेक यहाँ पे ले लेते हैं, तो उसके बाद इनके क्वेश्चन के जो बाकी दो हिस्से हैं उनका जवाब देंगे। जी नाजरीन वेलकम बैक। एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ लाइन पे जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, वेल लगता है कि वो कॉल ड्रॉप हो गई है जी। इनके जो इससे पहले जो हमारे पास साथ कॉलर थे उनका ये था कि बारामूला में स्ट्रीट लाइट्स नहीं हैं और ओल्ड टाउन में पर्टिकुलरली वो कह रहे थे कि सफाई का फुकदान है। जहाँ तक स्ट्रीट लाइट्स का ताल्लुक है तो उसमें थोड़ा सा इशू है कि एक डिपार्टमेंट जैसे PDD है वो म्यूनसिपलिटी पर ये चढ़ाती है कि अब मेंटेनेंस उनको करना है, तो एक डिपार्टमेंट है। तो मैंने कहीं कहीं ऑलरेडी
जो कहीं कहीं स्ट्रीट लाइट्स ख़राब हो गई थी उनको बदलवाज भी दिया है, लेकिन इसमें कुछ और करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि ये मसला ये हमारे बारामूला का ही मसला, ये हर जगह है कि ड्यूअल अथॉरिटी कहीं किसी चीज़ में आ जाती है तो उसमें थोड़ा सी प्रॉब्लम हो जाती है। यू एज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर यू कैन टेक दिस इनिशिएटिव टू ब्रिंग इट अंडर वन हेड, ताकि मेरे जहन में ये है, तो मैं इंशाल्लाह इसमें सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी एक मीटिंग कराऊंगा, हम इसमें चाकआउट करेंगे कि विद इन वेरी लिटिल टाइम मैं कहता एश्योर करता हूं कि ये मसला हम इनको बदलवा देंगे और बारामूला इंशाल्लाह ये स्ट्रीट लाइट्स का मसला है ये नहीं रहेगा जी। और ये जो सफाई के हवाले से इनकी जहाँ तक सफाई का मसला है, मुझे नहीं ये लग रहा है कि इसमें कोई कोताही हमारे जो म्यूनसिपल्टीज़ है वगैरह वो बरत रहे हैं। आपने देखा कि मुश्किल हालात में जो इससे पहले हमारे बहुत मुश्किल हालात थे उसमें हमारी म्यूनसिपल्टी का जो रोल रहा है, जहाँ पर उनके मुलाजमीन जो वक्त पर सवेरे मुश्किल हालात में उन्होंने कहीं कर्फ्यू होता था कहीं हालात, फिर भी उन्होंने बहुत दिन रात ज़बरदस्त मेहनत करके पूरे जो मेरी उनको ज़बरदस्त उन पर नज़र थी, मैंने चाहता था कहीं भी कोई कूड़ा करकट उनकी कोताही के वजह से उधर ही जहाँ पर था तो उधर ही रहे अननेसेसरली, तो मैंने देखा है कि म्यूनसिपल्टी में जो काम किया उन्होंने मुश्किल हालात में और आजकल जो अब नॉर्मल भी हालात हो रहे हैं कर रहे हैं उनकी मैं काफ़ी हद तक उससे मुतमईन हूँ, लेकिन जहाँ तक ओल्ड टाउन का ताल्लुक है तो उन हालात में भी ओल्ड टाउन में जाकर वो सुबह सवेरे वहाँ पर जो भी कूड़ा करकट था वो जमा करके फिर वो गाड़ियों में डाल के वो लेते थे, बट अगर कहीं कहीं ऐसा कोई जहाँ पर वो पहुँच नहीं पाते हैं मैं वो देख लूँगा, तो कोशिश होगी कि कोई भी शिकायत लोगों को म्यूनसिपल्टी के हवाले से सफाई सुथराई के हवाले से नहीं होनी चाहिए जी। नाज़रीन एक और कॉलर इस वक्त बारामूला से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो वेल ये भी एक बहुत बड़ा मसला है, पिछले कई एक महीनों से कश्मीर में चल रहा है, इनफैक्ट पूरी आबादी इसके साथ जूझ रही है, वो ये कि अक्सर यहाँ पे कॉल जो है ड्रॉप हो जाती हैं, और अगर हमारे जो टेलीकम्युनिकेशन के ज़ोमा है मुख्तलिफ कंपनीज़ के इंक्लूडिंग हमारी भारत संचार निगम लिमिटेड, तो उनको प्लीज़ एक गुजारिश है हम सब की तरफ से यानी सभी लोगों की तरफ से कि इस जानिब थोड़ा बहुत ध्यान दें कि ये कॉल ड्रॉप इतनी ज़्यादा क्यों होती हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा इरिटेटिंग सा मसला बन गया है। तो इससे पहले जो कलर की हम बात करें, एक और शिकायत उनने करी थी या इनफैक्ट एक सजेशन उनकी ये थी कि क्या ऐसा ना नहीं हो सकता है कि ओल्ड टाउन में एम्बुलेंस की सहूलियात उनको मिले। जी उन्होंने अच्छी बात की कि चूँकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो हमारा नया बन गया है बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, बहुत साफ सुथराई भी है, बिल्डिंग भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, लेकिन थोड़ा सा जैसे ओल्ड टाउन से अगर हम ले तो इट इज़ एट ए डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस है, कोई 1.5 किलोमीटर ज़्यादा भी नहीं होगा, ऐसे बिटवीन 1.5 to 2 किलोमीटर तक डिस्टेंस वहाँ से होगा, रात में शायद कहीं कहीं उनको वहाँ से पेशेंट्स वगैरह को लाने में भी कुछ डिफिकल्टी आई होगी, तो हमारे ओल्ड टाउन में भी हमारा शायद ये मुझे पूरी तरह याद नहीं कि डिस्पेंसरी है या हेल्थ सेंटर क्या है उधर है हमारा है जहाँ पर पूरे दिन डॉक्टर वगैरह रहते हैं इलाज होता है, तो मैं कोशिश करूँगा कि अगर ऐसा मेरे पास डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या कहीं भी कोई सीवियर एम्बुलेंस होगी तो विल कीप हम उस कोशिश करेंगे कि वहाँ मैं रखवा दूँ, जब तक वो हेल्थ सेंटर खुला रहता है तब तक वो वहाँ पर अवेलेबल रहे ओल्ड टाउन के जो बाशिंदे हैं उनके लिए। जी कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं फिर से जी। हेलो हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बस सोपोर पर शिविर रामोत थाईलैंड कॉलोनी जी हुकुम करते सवालों से डीसी साहब सर जी ऐसे से ऑल ब्लू पांच से वरीय कर्म क्लोन या पर रोड स्कूल त्रमित पांच से पटर जी और भी वायलेंस कर रहे जी पता तो रोड वरीय पर मगर इस या पर रोड थ्रोवर जरा खाना दुश्मन आई टी आई रोड
जी एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ हैं। हेलो हेलो जी हाँ जी बोले। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल नाकाम सिलसिलस मी तो लूकन बड़ मुश्किल तो वाका वन पत लट बेमार खालन जी गाड़ मज जी तो सोपोर चौक पे वो यह हस्पताल तक पे सो अटस खालन जी गाड़ मज बन वाल तो पे सोपोर हस्पताल वाता जी तो रिक्वेस्ट इत अक्सर सफिसर साहिबान जी टी वी पे तो शायद जबानी जबानी वन मगर अमली तौर से कम सपदान पत् डी सी सब बड़ मोदान गुजारिश यह संगीन मसला बन तो यह कर प्रायोरिटी लेवल पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन तुम्हें दी हिदायत मेहरबानी करो यह मसला हल अब डिवाइडर तो लोगमत अत पेवाल मार पे सोपोर चौक पे इकबाल मार्केट तक तो तम सत डिवाइडर रोक ठीक मगर दोन साइड बराबर शाबी फरोश बिहत तो दुम मसला बे टांग वाले तुम इजाजत दिन वे पे बेहनस पत्क बिहत कि बल्कि एडजस्टेंट वन अंदर बिहत पैदल पकुन मुश्किल इमे सोड एक्सीडेंट वगैरह गा तो मेहरबानी कर मसल जैसे हम अभी इसी बारे में बात कर रहे थे कि ये कहीं कहीं जहाँ पर ये मेजर टाउन्स हैं तो वहाँ पर ये ट्रैफिक का कंजेशन का मसला है। तो मैंने आपसे अभी अर्ज़ की कि मैंने ऑलरेडी ये इसमें हदायत दी अपने जो एसडीएम साहिबान हैं तो वो लोकल लेवल पर इस तरफ खास तवज्जो दें। मुझे लगता है कि आप उसका नतीजा कुछ ही दिन में देखेंगे कि हम कोशिश यही होगी कि ये जो ट्रैफिक कंजेशन का मसला ये स्ट्रीमलाइन हो जाए जहाँ पर यहाँ रेडियो वाले वगैरह वो सड़क पर उतर गए हैं इनको एक बाज़ाब्ता तरीके से कहीं कहीं अगर वो ओपन स्पेस से शायद अगर उनमें एडजस्ट किया जा सकता है तो वहाँ कर दे। तो बाकी जो रास्ता है वो गाड़ियों के लिए है फुटपाथ लोगों के चलने के लिए है ये कोशिश हमारी रहेगी कि सोपोर में ही नहीं बारामूला पाटन में जो जो ये जहाँ जहाँ ये मसला है इस किस्म का तो वहाँ हम ठीक इससे पहले भी जो कॉलर थे उनका भी यही था कि वो कहीं पे साइड वॉक्स नहीं है फुटपाथ्स नहीं है और उनको उनके बच्चों को खास तौर से एक काफ़ी ज़्यादा खतरा लाहक रहता है क्योंकि जब साइड वॉक्स ना ही हो तो बच्चों को भी सड़क के बीच में से जाना पड़ता है चलना पड़ता है और फिर जहाँ पे ट्रैफिक का काफ़ी ज़्यादा रश वगैरह देखना पड़ेगा कि कहाँ पर इस किस्म की ज़रूरत है। तो मैं अपने जो कंसर्न हमारे R&B वगैरह डिपार्टमेंट है उनसे बात करके देख लूँगा कि जहाँ पर लोगों का चलना फिरना ज़्यादा है और वहाँ पर साइड वॉक्स नहीं है उसमें हमें बाज़ाब्ता वो ये प्लान बनाना पड़ेगा तो वो इस पर हम तवज्जो दें जी। तो इससे पहले भी मैंने भी बात करी थी कि नॉर्मली जो हमारे जो टाउन्स की जो लिंक्स हैं मुख्तलिफ विलेजेस के साथ या टाउन्स का आपस में जो है नेशनल हाईवे को छोड़ के तो उनकी हालत बड़ी नागुफ्तगू कह सकते आप हैं आप सड़कों की आप सही कह रहे हैं। देखिए काफ़ी बुरी है। देखिए ये जो हर साल अपना अपना एक प्लान बनता है वो फाइनेंशियल ईयर के लिए बन जाता है जिसमें डिस्ट्रिक्ट प्लान होता है हमारा उसके बाद हमारा वो स्टेट सेक्टर होता है उसमें उसके बाद हमारे वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड मकसद यही है कि सड़कें बिजली पानी इसकी ये सहूलियात लोगों को फराहम हो। जैसे आपने देखा कि पिछले कोई 6 महीने हो गया कि जहाँ आपको पहले ही पता है कि विंटर का जो टाइम होता है उसमें ज़्यादा काम हमारा ये वर्क्स प्रोग्राम ज़्यादा नहीं वेदर की वजह से नहीं हो पाता है लेकिन जो ही उसके बाद टाइम आ गया हमारा काम करने का तो आपने देखा कि हमारे 5-6 महीने बिल्कुल ये उसमें असरअंदाज हो गया हमारे डेवलपमेंटल वर्क्स पर। जो प्रोग्राम हमने बनाया था वो एज़ पर दैट प्लान इस साल हमारा एग्जीक्यूट नहीं कर पाए है। इंशाल्लाह हमें हमारी उम्मीद है कि जो आगे वाला वक्त है जो ये 6 महीने की हमारी ये इसमें हेल्पलेसनेस रही तो वो हम पूरा कर पाएँ तो लोग देखेंगे कि इस साल अगर हमने कुछ उनके लिए रखा था गवर्नमेंट ने रखा था
चाहे वो सड़कों का मामला हो चाहे पुलों का मामला हो, वो हम कर पाए। आप देख लीजिए कि इन हालात में भी होके भी अगर आप देखेंगे कि हालात हम कंड्यूसिव नहीं थे, फिर भी आप देख लीजिए कि सड़कों के हवाले से अगर आप देखें कि यहाँ पर फ्रॉम टंगमर्ग टू गुलमर्ग हमने ब्लैक टॉपिंग की मैगडम किया 15 किलोमीटर्स का इन वेरी डिफ़िकल्ट टाइम्स, और किस तरह परसुवेशन वगैरह किया हमने और मैगडम वहाँ से डलवाया। हमने इसी तरह 26 किलोमीटर का वो जो ब्लैक टॉपिंग था वो भी दूसरी जगहों पर इस दौरान कर दिया, क्योंकि जितना भी हमारा वो टारगेट था मैगडम के हवाले से वो नहीं हो गया। इसके साथ ही आपको पता है कि वेदर जो अब वेदर कंडीशंस हैं उसमें ये अब हो नहीं सकता, दैट मीन्स कि ये पेंड हो गया फॉर द नेक्स्ट ईयर। बट कैन वी सीक दिस एश्योरेंस फ्रॉम डीसी साहब कि ये जो इस बार जो एक डेफिसिट रहा डेवलपमेंटल डेफिसिट वो अगले साल अगले वर्किंग सीजन में कंपनसेट होगा? वो तो करना ही करना है, लेकिन चूंकि वक्त फिर ये वापस नहीं आएगा। इस साल अगर हो जाता तो हो गया था, तो लोग इस साल से ही इस पर ये सहूलियत उनको अवेलेबल थी। फिर भी ऑन अ वेरी होपफुल नोट वी कैन बी लुकिंग फॉरवर्ड कि नहीं इंशाल्लाह अगर इस साल कोई काम रह गया तो वो कम से कम अगले साल हो गई होगा और हो जाएगा, और उसका जो अगले साल का प्रोग्राम है उसके साथ भी हो जाएगा। हमारे जैसे R&B सेक्टर में आप देखेंगे कि कोई 36 पुल हमारे वो अंडर एग्जीक्यूशन है इस वक्त बन रहे हैं। उनमें से इस साल हमारे 9 टारगेटेड है कि इस साल मार्च 31 मार्च से 9 पुल हमारे टारगेट, इंशाल्लाह जो ही वो 9 ओपन हो जाएंगे फॉर द पब्लिक तो बहुत सहूलियत हो जाएगी, कनेक्टिविटी हो जाएगी और लोग काफ़ी आराम करेंगे। जी एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ है नाज़िम। हेलो हेलो जी सर। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले मैं मुबारक देना चाहूँगा डीसी साहब को जी कि निसार साहब नए डीसी साहब आए हैं जी। उम्मीद है कि जो भी हमारी प्रॉब्लम है उनको दूर करेंगे जी। सर मैं कंडी बारामूला से बोल रहा हूँ जी। सर प्रॉब्लम इस तरह है कि हम कभी भी आते हैं बैकवर्ड सर्टिफिकेट निकालने के लिए जी, तो हमें बड़ी प्रॉब्लम का फेस करनी पड़ती है वहाँ जाके तहसील में जी। ये इन्होंने कहा था कि सर एक हफ्ते में या 10 दिन के अंदर अंदर हम सर्टिफिकेट जो है बैकवर्ड है या कोई और सर्टिफिकेट है एसटी वगैरह जी वो आपको दे देंगे, पर प्रॉब्लम ये है कि सर हम जब भी जाते हैं चक्कर लगाने पड़ते हैं कभी पटवारी के पीछे कभी किसी के पीछे कभी किसी के पीछे, तो एक महीने के बाद या 2 महीने के बाद हमारी सर्टिफिकेट तैयार होती है। हम डी साहब से कहते हैं कि प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिए ताकि हम जो बैकवर्ड एरियाज के लोग जो हैं उनको सफर ना करना पड़े जी। इनफैक्ट मैं आपको ये बताता चलूं कि ये एक कानून है जिसको हम पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट कहते हैं, और उसके तहत हर एक काम जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन के पास है उसके लिए एक टाइमलाइन दी हुई होती है, और अगर वो यानी मुख्तलिफ जो मुतलका महकमे हैं अगर वो उस टाइम लाइन के दरमियान वो काम नहीं करते हैं तो वो दे आर कल्पेबल टू बी पनिश्ड, इनफैक्ट उनको उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। जी साहब इनकी शिकायत आपने सुनी बैकवर्ड सर्टिफिकेट के हवाले से हो या स्टेट सब्जेक्ट के हवाले से हो या कोई और, ये काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। हालांकि जो सर्टिफिकेट्स हैं दीज आर कवर्ड बाई पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट, ऐसा क्यों होता है? अभी तक तो मेरी नोटिस में इन्होंने कभी ये किसी ने ये बात नहीं लाई कि इसमें इनको कोई दिक्कत है कोई मुश्किल पेश है, क्योंकि ये बैकवर्ड सर्टिफिकेट जो है इसमें वो तहसील लेवल पर ये इशू हो जाती है, बाकी जो PRCs है परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट वो उसमें डिजिग्नेटेड अथॉरिटीज़ होती हैं जैसे SDMs हैं या ACRs वगैरह हैं, तो इसमें आप जैसे फरमा रहे थे कि पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट है जिसमें एक टाइम फ्रेम है कि आपको किससे अप्लाई करना है, वो कितने दिन में आपका ये कागज़ आगे करेगा, फिर नेक्स्ट लेवल पर आता है, फिर इसी तरह एक दो लेवल जो यहाँ तक ये फाइनली पहुँच जाती है और इशू हो जाती है। तो उसका जो हम पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट का जो टाइम फ्रेम है वो ऑलरेडी हर जगह उसका दिया होता है, बोर्ड होते हैं तहसील में है बोर्ड, मेरे DC ऑफिस में हर जगह जिनमें टाइम फ्रेम दिया है। अगर किसी वजह से इनको कोई ऐसा मसला आया है या कोई डिफ़िकल्टी आए वो हमें हमारी नोटिस में लाएंगे,
जिस जिस को ऐसा है तो जो इसमें तो दिक्कत होगी वो दूर की जा सकती है, वरना तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि जिसमें महीनों लग जाएंगे, इसका अपना टाइम फ्रेम है, उस दौरान इनको वो सर्टिफिकेट मिलनी चाहिए। तो ये हमारी कोशिश होगी, अगर पर्टिकुलर ये कोई केस है तो ये मेरे पास आ जाए, मैं इसका ये देख लूँगा कि इशू क्या है और क्यों, क्या वजह है कि इसको वक्त पर ये इशू नहीं हो गई है। जी साहब, अभी तक हम जो बात कर रहे थे वो आपके खादनियार के आसपास बात कर रहे हैं, मेरा मतलब की बात कर रहे हैं, और इस वक्त एक कलर हमारे साथ अनंतनाग से हैं, तो मैं ये कहूँगी खनबल से हैं, क्योंकि हम अक्सर कहते हैं कि दिल्ली का जो एक्सपेंस है वो खनबल से खादनियार करते हैं। अनंतनाग से जावेद अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो, सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। मिसिर साहब को मेरी तरफ से सलाम कहेगा, बहुत ही खुशी हो रही है कि डीसी साहब ने अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में सब बोला, लेकिन मेरा जिम्मी सवाल जो है वो जिस्मानी तौर माजूर अफराद के हवाले से है। जितना भी डिस्ट्रिक्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, इवन डीसी ऑफिस में जाते हैं तो बहुत मुश्किल होती है व्हील चेयर यूजर्स का, इवन टाउन हॉल आप देखिए कितने भी पब्लिक प्लेसेस है जहाँ पे लोगों का आना जाना बहुत ही जरूरी है, तो वहाँ पे हमारी एक्सेसिबिलिटी का ख्याल नहीं रखा जाता है, व्हील चेयर यूजर नहीं जा पाते हैं, इवन वहाँ पार्क्स मेंटेन हो रहे हैं, फुटपाथ्स पे हम नहीं जा पा रहे हैं। दो उस वक्त होता है जब हम देख रहे हैं कि तहसील सतह पर कहीं पे पॉलिटेक्निक कॉलेज बन रहा है, डिग्री कॉलेज बन रहा है, तो वहाँ पे सेग्रीगेशन हो रही है पर्सन विद डिसेबिलिटीज की। और जहाँ तक सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का सवाल है, जब व्हील चेयर लेने या क्रैश लेने जाते हैं तो इतना टाइम लग जाता है, एक पहले तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है ही है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ये जो सीएमओ साहब है वहां से लेते हैं, उसके बाद वो डिसेबल पर्सन जो रजिस्टर होता है जिसके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होती है उसे फिर से डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, फिर से तहसीलदार साहब के पास जाना पड़ता है, और कभी एक व्हील चेयर मिलती है या क्रैच मिलता है जिसके लिए उसको जूझना पड़ता है, जो अगर कोई लेबर है जिसका बेटा है तो उसको काम का एक दिन छोड़ना पड़ता है, दो दिन कभी कभी छोड़ने पड़ते हैं, और जब ज्यादा ही मुश्किल हो जाता है तो वो रहने ही देता है और बंदा बेडरिडन या अंदर की घर में रह जाता है। जी, जायद साहब की शिकायत आपने सुनी, एक जनरल सी जनरल ये अप्लाई हर जगह हो जाती जी, है जी। बिल्कुल, ये इनकी ये अगर ये काफी जायज शिकायत है, ऐसी ऐसी बात कहीं पर है कि इनको जहां पर जाने में बिल्डिंग के अंदर जाने में मुश्किल आ जाती है, तो जहाँ जहाँ भी ये न्यू स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, जहाँ जहाँ भी नया इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है उसमें तो ये चूंकि ये मेरे ख्याल में हाई कोर्ट की भी डायरेक्शन है कि रैंप बनने चाहिए जो जिस पर इनको ये अंदर एक्सेसिबिलिटी हो जाए, नई इंस्टॉलेशंस जो वहाँ पे इन चीजों का ख्याल रखा जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर नया बन रहा है जहाँ जहाँ भी बन रहा है, तो ये इसमें प्राइम ये जो हम डायरेक्शन जो है कि इनके अलग से एक अप्रोच जहाँ पर रैंप आए ताकि इनकी एक्सेसिबिलिटी में कोई मुश्किल ना आ जाए। लेकिन अगर अब चूंकि ये पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर हर ऑफिस में इतना अच्छा नहीं है, कहीं अगर कोई ऑफिस है तो वो किसी प्राइवेट बिल्डिंग में है, दूसरी मंजिल पर है, उसमें इस वक्त ये मुश्किलात हैं, लेकिन जो ही उनका अपना वो इंफ्रास्ट्रक्चर उस डिपार्टमेंट का बन जाता है तो उसमें सबसे पहले इस बात की तरफ फोकस किया जाता है कि इनका जो डायरेक्शन एज पर डायरेक्शन, और ये ज़रूरत भी है हमारे समाज की कि इनके लिए रैंप बनाया जाए जहाँ इनकी एक और इनकी शिकायत वो ये थी कि जैसे व्हील चेयर्स वगैरह जो जिस्मानी तौर नाखैज अफराद हैं उनको अगर व्हील चेयर्स का इंतज़ाम उनके पास है, कोई प्रोविजन रखा हुआ है, कुछ स्कीम्स हैं जो इनके लिए हैं, लेकिन उन स्कीम से इस्तेफादा करने के लिए भी इनको काफ़ी जूझना पड़ता है, और फिर इतना आखिर में फिर तंग आकर के ये छोड़ते हैं, यार हमें ये चाहिए ही नहीं। इसमें आपसे मैं ये बात कहूँगा कि जैसे वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए बोर्ड वगैरह का इनका ये वही बात कर रहे थे कि उस सर्टिफिकेट मिलने में या बोर्ड के मिलने में उनको देने में उनका चेकअप करने में मुश्किलात आ जाती है, लेकिन चूंकि मैं इसमें फोकस किए हुए हैं, हमने भी इससे पहले स्पेशल कुछ कैंपस किए जो बोर्ड के जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का है इनका, तो वहाँ पर हमने स्पेशल कई जगहों पर किए, ऊडी में किए, बारामूला में किए, यहाँ से हमने रफी आबाद में किए कि जहाँ पर इन बल्क हम इनको सर्टिफिकेट देते हैं, दैट मीन्स कि हम
उनके डोर स्टेप्स पर ही जाते हैं, तो ये एक जहन में है और आगे भी मेरी कोशिश होगी कि ऐसे कैंप हम कंटिन्यूसली करते रहे ताकि हम ही इनके पास जाए कि इनको वो सर्टिफिकेट मिल जाए. एंड दैट इज द वे टू गो अबाउट इट, क्योंकि ये लोग जिस्मानी तौर जो लोग नाखैज हैं, तो अगर हम ये तवक्कुल करें बैठे कि ये हमारे पास आएंगे, इससे तो बेहतर ये है कि हम ही उनके पास जाए. इंसानियत का तकाजा भी यही है कि हम इनके पास जाए. एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ हैं. हेलो. हेलो जी. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम जी. मंजूर, हम बारामूला से. जी मंजूर साहब. जी मंजूर साहब. सर मुझे डी साहब से बात ये करनी थी सर. हाँ जी करें. मंजूर हम बारामूला से बात. हाँ जी हाँ जी बोले बोले सर. यहाँ जो ये म्यूनिसिपलिटी वाले ये कूड़ा करकट जो जमा करते हैं सर जी, ये सारा खानपोरा से लेके खोजोबाग तक जी, ये सारा डिपॉजिट करते हैं सर दरिया के किनारे पर यहाँ खोजोबाग में सर जी. अल्टीमेटली सर ये सारा कचरा जो है दरिया में आ जाता है जी, इसका डिस्पोजल का कोई प्रॉपर तरीका नहीं है सर. दूसरा सर, हमारा यहाँ जेटी कॉलोनी है सर, आज 10 दिन से यहाँ पर ये पानी नहीं है सर जी. प्लीज इसके बारे में सर थोड़ा बताइए सर. दरअसल ये तो एक अजीब सी बात हुई ना, एक तरीके से एक हिसाब से या एक साइड से गवर्नमेंट हज़ारों बल्कि करोड़ रुपए खर्च कर रही है जहलम की ड्रेजिंग के लिए, और दूसरी तरीके से जैसे इनकी शिकायत थी कि सारा कूड़ा कचरा ला करके जहलम के बैंक्स पे आपने डिपॉजिट कर दिया, फिर अल्टीमेटली उसको तो जाना उसी जहलम में है. ये आपको पता है कि ये जो डिस्पोजल ऑफ ये सॉलिड वेस्ट है, ये प्रॉब्लम है हमारे पूरे कश्मीर में है कि जहाँ जहाँ भी हम कोई सूटेबल लोकेशन आइडेंटिफाई करते हैं, वहाँ हमें हर तरफ से, वहाँ जो लोकल्स दूर दूर ही रहते हैं हम उनके दरमियान नहीं डालते हैं, लेकिन जो लोकल्स वहाँ उस गांव वाले होते हैं या ये वो ऑब्जेक्शन करते हैं. हमने अभी तक काफ़ी कोशिश की, कई बार स्पेस आइडेंटिफाई कर दिए जहाँ पर हमारा एक साइंटिफिक तरीके से हम ऐसा वेस्ट डिस्पोजल. गाँव वालों की या जो लोकल्स हैं उनकी शिकायत भी इसी हवाले से होती है, क्योंकि हमारा जो वेस्ट मैनेजमेंट है वो साइंटिफिक लाइंस पे नहीं होता है. अगर साइंटिफिक लाइंस पे हम वेस्ट मैनेजमेंट करें तो ऑब्वियसली फिर तो शिकायत का तो कोई तुक ही नहीं बनता. साइंटिफिक लाइंस पर ही हम बनाना चाहते हैं जी. लेकिन जहाँ जहाँ भी आइडेंटिफाई हम, जैसे हमने सोपोर इलाके में किया, संग्रामा में किया, बारामूला में किया, कहीं पर भी हमें वो फिर वो उसमें वो एक्सेप्टेबिलिटी जो लोकल्स होते हैं उनकी तरफ से अलबत्ता रेजिस्टेंस ही आ जाता है. ये हमारे लिए एक मसला बन गया है. ये जो उन्होंने कहा कि वो जमा करके फिर दरिया के वहाँ जहलम के किनारे से, कहीं मत ऐसा कोई वाकया हो गया होगा कभी कभार, लेकिन यूजुअली ऐसा दे आर नॉट अलाउड. वो नहीं बैंक्स, रिवर बैंक्स पर ये जो सॉलिड वेस्ट है वो डाल सकते हैं. अब जहाँ पर वो दूर दराज इलाकों में जहाँ पर पॉपुलेशन नहीं है, हम कोशिश करते हैं कि वहाँ इस वक्त जब तक वो साइंटिफिकली बनाएंगे हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए ये जगह, तो उस वक्त तक कहीं कहीं उनको डिस्पोजल तो कर रहे हैं, बट दिस इज नॉट अलाउड. ये कहीं इक्का दुक्का ऐसा मत कभी कभार हुआ होगा, काइंडली चेक इट. अगर ऐसा होता है तो ये यकीन है ऐसा नहीं हुआ होगा हमारी जहलम के साथ. हम कोशिश करते हैं कि ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो मटेरियल्स हैं सॉलिड वेस्ट में, ये इसका सही डिस्पोजल हो जाए, और उसके लिए फंड्स की भी हमें कोई कमी नहीं है. लेकिन यही है कि लोगों के एक्सेप्टेबिलिटी, दे एक्सेप्ट कि जहां पर हमने स्पेस आइडेंटिफाई किया है वो वहां पर वो बना दे. हम वो साइंटिफिकली बनाना चाहते हैं. इसमें लोगों को थोड़ा सा अपनी सोच बदलनी है कि ये वो जगह नहीं कि आए और हमने डाल दिया. इसमें जैसे आप अभी मैंने इसमें कई सेमिनार भी बाहर अटेंड किए, तो उसमें देखते हैं कि बाहर जब यूरोप में ऐसा होता तो वहां ऊपर एक बहुत बढ़िया पार्क बन जाता है, नीचे से इसका डिस्पोजल होता है. क्या ही अच्छा हो अगर हमारी हुकूमतें भी ऐसे ही फिर, मुझे यकीन है अगर लोग पार्क्स वगैरह बनाए तो ऑब्वियसली फिर लोग तो कोऑपरेट करेंगे ही करेंगे. पटन से गुलाम रसूल एक कॉल हमारे साथ हैं. हेलो. हेलो जी. जनाब. हाँ जी हुक्म करें. मुन्यू अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. मेरा नाम है गुलाम रसूल खान, मैं पटन से बोल रहा हूँ. जी खान साहब. हमें जनाब यहाँ एक वो वर्डर जिसको हम बोलते हैं कश्मीरी में जी, तो हाँ जनाब यहाँ मिट्टी उठा रहे हैं. हमने बार बार इनको कहा
ये मत उठा ऊपर, वो और चढ़े हमारे वो नीचे आ रहे हैं, बहन थी अलग गई उसमें, लेकिन अचानक ये उठा रहे हैं सर जी। आप किस जगह की बात कर रहे हैं, पटन में किस जगह पे है? पटन की बात कर रहा हूँ जी। ये एक बहुत बड़ा मसला है, डिस्पाइट एंड आई थिंक ये जो करेवाज हैं इनसे मिट्टी उठाने पे तो आई थिंक एक पाबंदी भी है, बट कई एक जगह पर जैसे बड़गाम में कई एक जगह पर ऐसा हो रहा है, और ये पटन की बात करें पटन में ऐसा हो रहा है, ऑब्वियसली इसकी वजह से लोगों के जो स्ट्रक्चर उस विसिनिटी में है वो डैमेज हो रहे हैं। देखिए ये स्ट्रक्चर्स की बात ही नहीं है, ये तो पूरे एनवायरनमेंट को इससे तबाही हो जाती है। हमारा जो कंटूर है वो शेप है करेवा की, वो बिल्कुल डिफेस हो जाता है, तबाह हो जाती है, दिल को अच्छा नहीं लगता है। इसमें ये अलाउड नहीं है, कहीं नहीं अलाउड है। पटन की बात करें कि वहाँ पे हो रहा है, पटन में जंगम एरिया में ऐसा हो रहा था, तो लास्ट टाइम मैंने वहाँ पर 8-11 टिपर्स जब्त कर दिए, कुछ ही दिन पहले की बात है, 11 टिपर जब्त कर दिए, और वो डोजर्स भी एक दो थे, तो उनके खिलाफ बाजाबता वो पुलिस थाने में FIR दर्ज किया गया, वो सारी मशीनें दर्ज है। अगर कहीं चोरी छुपे, ये यूजुअली ऐसा करते हैं कि रात को ये 12 बजे के बाद 1 बजे आ जाते हैं, कहीं से डोजर आ गया, कहीं से ट्रक्स उसने अपने साथ लाए, ये रात के वक्त हो जाए। लेकिन मेरी हदायत है कि जो हमने पीछे भी कार्रवाई की और हर जगह कर रहे हैं कार्रवाई, ये इधर ही पटन में नहीं है, सोपोर के एरियाज में भी, जैसे वहाँ हरदुशिवा में ये मामला था, वहाँ भी मैंने काफ़ी ये सीजर्स करा दिए, जंगम में भी पटन में भी करा दिए, जहाँ कहीं आए बार ये चोरी छुपे कोई ऐसा करा, वो मैंने मेरे SDM यहाँ पर SDO साहब हमारे हैं, दे मेक सरप्राइज विजिटर्स, मैंने दे कंटिन्यू विद दैट, और हम सीजर भी करते हैं, FIR दर्ज हो जाता है, वो कल्प्रिटर्स को पकड़ा भी जाता है, तो दिस विल कंटिन्यू। बहुत सारी बातें की, बहुत सारी चीज़ों के मुतालिक, लेकिन एक चीज़ जो अभी तक रहेगी वो ये कि आपका जो बारामूला डिस्ट्रिक्ट है हॉर्टिकल्चर के लिहाज से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इनफैक्ट वादी की जो सबसे बड़ी फ्रूट मंडी है वो सोपोर में है, लेकिन उनके उस इंडस्ट्री के भी अपने कुछ मसले हैं, और मंडी में जो लोग कारोबार करते हैं उनके भी बहुत सारी शिकायत हैं कि मंडी में वो सारी फैसिलिटीज नहीं हैं जो कि होनी चाहिए, तो इस बारे में थोड़ा बहुत कुछ डिसएग्रीमेंट कर रही है। जी जी, जहाँ तक सोपोर मंडी का ताल्लुक है कि ये आप जैसे कह रहे हैं कि सबसे बड़ी मंडी है, नॉर्थ कश्मीर की मंडी है, इसमें तो काफ़ी फ्रूट रोज के अराउंड 150, जो पीक सीजन है, अराउंड 150 ट्रक्स यहाँ से लोड होके जाते हैं, बाहर जाते हैं, दिल्ली वगैरह, दूसरे मुल्क के दूसरे हिस्सों में, तो इसमें सोपोर इसमें फ्रूट मंडी में जितना भी हम कर पाए उतना ही उतना कम है, क्योंकि यहाँ इतना बड़ा कारोबार होता है। देख लीजिए पीछे जो हालात रहे उनमें भी हमने कोशिश की कि ये सोपोर की मंडी ये चालू रहे और जहाँ ये जो माल है ये बाहर चला जाए, क्योंकि इसको यू कैन नॉट स्टॉप इट, अगर एक दिन या दो दिन यहाँ रहा तो इट विल डिस्ट्रॉय, तो ये कोशिश रही है कि इस तरफ हम तवज्जो दें। इसमें पीछे काफ़ी करने की भी ज़रूरत है और कुछ किया भी, बहुत कुछ किया भी है। वहाँ पर हमारे जैसे वो पानी की प्रॉब्लम थी, मैंने पर्सनली वहाँ वो मसला हल कराया, वहाँ पर वो रोड्स की कुछ रोड्स वहाँ पर मैगडमाइज भी हो गए, चूँकि इस बार वो फर्दर हम उसका एक्सटेंशन नहीं कर सके, तो इस पर ये चीज़ें जो इसकी इम्प्रूवमेंट के लिए ज़रूरी है हमारी नज़र में है, इंशाल्लाह वो धीरे धीरे होते रहेंगे और करने की भी ज़रूरत है। दो कॉलर इस वक्त भी हमारे साथ हैं, ये कॉल्स हम ले लेते हैं। वालेकुम सलाम जनाब, शेरी मालपुर पेट जी, यह रोड सोन शेरी टू डांगरपुरा गह बिल्कुल खस्ताल जी, अत गाड़ ग मज गाड़ यूह अजाब कह हद जी, अरने वा गाड़ पार कह यह बिल्कुल खस्ताल यह रोड गुम जी, अव साइड रोजन ओड किलोमीटर दूर ये गाड़ी यी बचि बहुत रोड वाडिंग प्रॉब्लम ज्यादा आज आब समा अत गाड़ ग यह समा अत मन बना पकन आज पे आज स्लिप अगर गाड़ कर और अत गो अत साइड अंडियन लगित यह नल लगित जी जी। जी साहब, अब इस वक्त तो खैर मैग्नमाइजेशन हो ही नहीं सकती है, बाकी काम तो हो रहे हैं जी, पता नहीं ये इसमें एक और कॉल हमारे साथ हैं, पहले ये कॉल लेते हैं फिर दोनों का एक साथ जवाब हो जाएगा जी। हेलो हेलो जी, हेलो सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम
سر بہت تھکل بارہ پھر محمد سلطان سے ناؤ جی حکم کرو عرض پہ کہ اس بجلی تار یہ کیات وانا اکس محلس یت شیخ کم ڈار محلہ وانا جی سہ پہ تقریباً نومبر دسمبر کس رتس من زوہ کئی پھر پی سوہ دن من جی اچھا نتیج درام یہ کہ اللہ تعالیٰ سن فضل کرم بال بال بچان لوگ بہ پن بہت راس نماز فجر جی مین دیوار بندی تب گریا اگر میں معمولی جرک ہش لگ میں آنگنس مز نت آسے بہ تک پازس لوگمت رات کس ہون تر ٹور لگ ایگزیکٹو انجینئرس گئی تری پھر تمس ووت ٹور پانچ پھر دون میرے پاس فنڈس نہیں ہے کیا ہے اب ایم ایل اے کو بتاؤ جی جی ایم ایل اے صبح کو فون مطلب کیا جی جی غلام رسول صاحب تہن سوال ووت وائیں بوجھو تو ڈی سی صاحب کیا مناف یہ ان کا تار کا مسئلہ ہے کہ بار بار ان کی گر جاتی ہے اور یہ غالباً یہ ایک علاقے کی بات کر رہے ہیں غلام رسول صاحب تو کت علاقے پہ چھو کت کر محلک نا ویل لگتا ہے کہ ان کی شیخ محلہ کو یہ تار یہ بار بار پی ویس تو تم تب سے وانا کہ اینڈ آبویسلی یہ بڑ خطرہ تھی ایکچولی آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر جو ایکسٹینشن سے آبادیوں کی ہو جاتی ہے تو پھر وہ جو انفراسٹرکچر ہوتا ہے وہ ٹیمپریری وہ ایسے لیتے ہیں تو یہ مسئلہ جو ہے یہ تار کا یا ورن آؤٹ پولز کا یہ اس میں ہمیں کئی اس میں سینٹرلی سپانسرڈ سکیمز بھی ہیں لوکلی بھی ہم اس کو ایڈریس کرتے ہیں ڈسٹرکٹ جو پلان ہے ہمارا تو جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے کئی سینٹرلی سپانسرڈ پروگرامز ہیں اس بجلی کے حوالے سے آئی پی ڈی ایس ہے ہمارا آر اے پی ڈی آر پی ہے ہمارا ابھی ہمارا دین دیال وہ یوجنا بھی ہے اس میں جو رورل ایریاز کے لیے ہے وہ باقی اربن ایریاز کے ان میں یہ آگمنٹیشن کا سارا یہ جو مسئلہ ہمارا جب یہ امپلیمنٹ ہو جائیں گی یہ ہماری ان کے ڈی پی آرز وغیرہ پورے بن گئے ہیں جیسے وہ کیبل چینج ہے ہمارا کہ تار تبدیل ہو جائے گی اور وہ کیبل وائر اس میں لگ جائے گا وہ انڈیویجول پانچ پانچ چھ چھ گھروں کو وہ میٹر جو اس میں لگ جائے گا تو یہ سکیمیں ہماری یہ چونکہ اس میں تھوڑا سا سیٹ بیک ہو گیا پیچھے جو کیونکہ اس میں سروے گھر گھر سروے کرنے کی ضرورت ہے محلوں میں سروے کر کے وہ کام شروع ہو گیا ہے یہ جو سکیم میں چاہے وہ دین دیال سکیم ہو یا وہ دوسری جو میں نے ابھی کہہ دی ٹاؤنز کے لیے ہے یہ جب پوری طرح سے امپلیمنٹ ایگزیکیوٹ آن گراؤنڈ ہو جائیں گی یہ جو سارا جو یہ تار جو کنڈکٹر کا ہے کہیں باربڈ وائر کنڈکٹر ہے کہیں پر پول ورن آؤٹ ہے گرنے کو تیار ہے یہ سارے ریپلیس ہو جائیں گے اس سے فنڈس کی کوئی اس میں کمی نہیں ہے سینٹرلی سپانسر صرف وقت کی بات ہے اور حالات جی آپ نے خود کہا وقت کی بات ہے اور وقت کی کمی ہمیں بھی ہے انفیکٹ آئی ایم بینگ ٹولڈ کہ ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے وہ ختم ہو جاتا ہے لیکن کم سے کم ایک گزارش میں یہ کروں کہ جب تک یہ ساری چیزیں ہوں تب تک جو منیمم ہم ان کے لیے کر سکتے ہیں لوگوں کے لیے تو وہ ہم کر لیں ضرور کریں گے تو ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت میں کہہ چکا ہوں کہ ختم ہوا جاتا ہے تو اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں آپ اجازت دے دیجیے خدا حافظ